सिमेट्री, किसी सर्किट में सिमेट्री देख के। एक चीज होती है फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। देखिए जैसे कोई सर्किट है, मुझे उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो सर्किट अगर किसी एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर हम उस लाइन के अबाउट उस सर्किट को ऐसे फोल्ड कर दें, उस सर्किट को हम ऐसे फोल्ड कर दें, तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो उसको हम फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जिस जगह से हम उसको फोल्ड करते हैं वहां से हम फिर इन दोनों को कट कर लेते हैं, अब इस पार्ट का अलग से और इस पार्ट का अलग से रेजिस्टेंस निकाल के वापस सीरीज में लगा के जोड़ देते हैं। ठीक, देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई ऐसा रेजिस्टेंस है अपने पास, ये हो गया यहां पे, ये अब यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे आके यहां जुड़ रहा है, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस आके ऐसे यहां जुड़ रहा है, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस आके यहां जुड़ रहा है, और फिर यहां से एक रेजिस्टेंस आके यहां जुड़ रहा है, और फिर यहां से एक रेजिस्टेंस आके यहां जुड़ रहा है, और यहां से एक रेजिस्टेंस आके यहां जुड़ रहा है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पूछा जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप ये देखिए, इसमें हम एक लाइन खींचते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, वो हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज सिमेट्री लाइन। अगर इस लाइन के अबाउट, देखिए ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, तो हर रेजिस्टेंस पे हर रेजिस्टेंस आ जाएगा आइडेंटिकल, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। अब लाइन ऑफ सिमेट्री की क्या पहचान है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे कभी भी लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, यानी कि इस पे अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इस पे रेजिस्टेंस ऐसे नहीं आना चाहिए, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ऐसे रेजिस्टेंस आ सकता है, ये ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस 50-50 डिवाइड हो जाए, पर ये केस नहीं हो सकता, ये वाला, ये ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, अगर मुझे यहाँ पे हर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया है रेजिस्टेंस R, ये भी R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये R है, ये R है, ये रेजिस्टेंसेज है सारे। तो अगर मैं इसको रेजिस्टेंस को यहां से ऐसे यूं कर दूं, तो इनको ऐसे फोल्ड किया जा सकता है, इसको ऐसे फोल्ड किया जा सकता है, तो ये आइडेंटिकल इधर और इधर वाले पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग सिमेट्री। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पे फोल्डिंग सिमेट्री, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना, तो ना तो इसमें मुझे कहीं सीरीज दिख रहा है और ना कहीं पैरेलल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जिस जगह से हमें फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है वहां से इसको ऐसे कट कर लेंगे, दो पार्ट में कर लेंगे। तो आप ये देखें, इस जगह पे, यानी कि जो अपनी ये वाली जगह है, यहां पे जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है ये, फिर यहां से जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है ये, और ये वाला तो हाफ हो जाएगा, और फिर यहां से जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है यहां पे, ये वाला रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, और फिर एक ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस,
ये, इसका 50% हमने यहां पे ले लिया। अब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो जिस जगह से फोल्डिंग सिमेट्री में ऐसे कट करते हैं उन पॉइंट्स को एक जगह ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने पॉइंट ज्वाइन कर लिए, तो इन पॉइंट्स के और इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट सी है और ये ए है, इनको भी ज्वाइन कर ले। अब आप देखो ये वाला रेजिस्टेंस बीच में से कट गया, ये तो आर बाई टू हो गया और ये भी क्या हो गया, आर बाई टू। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये वाला भी आर, ठीक। अब क्या करेंगे, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको एक काम करेंगे हम, ये वाला और ये वाला तो पैरेलल में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आर इंटू आर बाई टू डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई टू। तो ऊपर तो आर स्क्वायर बाई टू हो गया और नीचे थ्री आर बाई टू हो गया, टू से टू कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो दिस इज आर बाई थ्री, आर स्क्वायर बाई टू हो गया और नीचे थ्री आर बाई टू हो गया, तो दिस इज आर बाई थ्री। तो ये यहां से लेके यहां तक आर बाई थ्री हो गया, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस इक्वलेंट हो गया किसके, ये पॉइंट अगर ए मान लिया जाए यहां पे, यहां पे ये हो गया, तो ये वाला रेजिस्टेंस एक इसके इक्वलेंट हो गया, दिस इज आर बाई थ्री, दिस इज आर बाई थ्री, दिस इज आर एंड दिस इज आर। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट सी हो गया, क्योंकि आर बाई टू और आर को जोड़ेंगे तो आर बाई थ्री आ जाएगा। अब ये आर बाई थ्री, ये आर बाई थ्री, अब ये वाला अरेंजमेंट आर बाई थ्री प्लस आर फोर आर बाई थ्री हो गया, तो ये वाला अरेंजमेंट इसके बाद ये आया और इसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ से एक रेजिस्टेंस, तो ये हो गया और एक रेजिस्टेंस इसको ऐसे मान लो, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, तो और एक रेजिस्टेंस ये हो गया और दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ये तीनों बन गए, ये फोर आर बाई थ्री, ये आर और ये भी फोर आर बाई थ्री, ये वाला पॉइंट सी हो गया और ये वाला पॉइंट ए हो गया। तो ये और ये तीनों के तीनों अब पैरेलल में हो गए, तो वन बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू हो गया थ्री बाई फोर आर प्लस वन बाई आर प्लस थ्री बाई फोर आर। तो ये फोर बाई फोर आर हो गया, थ्री फोर और थ्री टेन बाई फोर आर, दिस इज टेन बाई फोर आर वन बाई आर इक्वलेंट, तो दिस इज फाइव बाई टू आर, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू हो गया टू बाई फाइव आर, ये हो गया यहां पे। अब आप ये देखिए, ये वाला जो हाफ पार्ट है ये किसके इक्वलेंट हो गया, ये एक ऐसे रेजिस्टेंस के इक्वलेंट हो गया यहां तक का, जो कि टू बाई फाइव आर है। अब इसी से आगे बिल्कुल ऐसा ही पार्ट और एक हो गया, ये वाला, ये तो यहां पे आ गया बी पॉइंट, ये भी अगेन कितना 2 बाई फाइव आर हो गया, तो आंसर हो गया 4 बाई फाइव आर, ये फाइनल आंसर हो गया फोल्डिंग सिमेट्री से, तो शायद आंसर यही आता है 5 बाई फोर आर। चेक कर लेते हैं अगर ये क्वेश्चन हुआ कहीं तो, यही आंसर है 4 बाई फाइव आर अपना आंसर बन गया ये। यस 4 बाई फाइव आर।
तो ये अपना आंसर है 4/5 आर। तो दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री मतलब अगर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है और आपको कोई एक लाइन ऐसी दिख रही है जिसके राइट में और लेफ्ट में आइडेंटिकल सीन बना हुआ है, तो वहीं से इस सिस्टम को कट कर दो और जो जो पॉइंट कट हो गए हैं उनको एक जगह मिला दो। तो जो जो पॉइंट कट हो गए हैं उनको सबको एक जगह मिला दिया हमने, तो ये हो गई अपनी फोल्डिंग सिमेट्री वाली प्रॉब्लम। इसी तरीके से एक स्टार डेल्टा मेथड है, स्टार डेल्टा मेथड, ठीक। स्टार डेल्टा मेथड का मतलब यह हुआ कि अगर कहीं किसी सर्किट में आपको ऐसा ऐसे डेल्टा बना मिलता है किसी भी जगह पे, मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल बना मिलता है जिसकी वजह से सर्किट सॉल्व नहीं हो पा रहा, मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो आप चाहो तो इस पॉइंट को अगर आप A बोल रहे हो, इस पॉइंट को B बोल रहे हो और इसको C बोल रहे हो, तो A, B, C पॉइंट्स जो हैं उन पॉइंट्स को फिक्स करके आप इसको, इस डेल्टा को एक स्टार में कन्वर्ट कर सकती हो। कैसे? आप इस A पॉइंट को, B पॉइंट को और C पॉइंट को वहीं का वहीं रखिए, A, B, C, और इन दोनों को रिप्लेस करके, इन दोनों को हटा के यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए बस, ये दिस इज आर ए, और इन दोनों को रिप्लेस करके यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, दिस इज आर बी, और इन दोनों को रिप्लेस करके सी से एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, दिस इज आर बी ऑन दिस इज आर सी। तो आप इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकती है इफ यू वॉन्ट, इससे अगर इजी होता है तो, ठीक। कैसे वो मैं बता देता हूं अभी आपको। तो जैसे यहां पे आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा बना दिख रहा है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ स्टार, और उसके बनने के बाद हो सकता है सिचुएशन आपकी इजी हो जाए। तो ये जो आर ए है, इस आर ए की वैल्यू हो जाए, देखिए आर वन आर टू के बीच में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू और प्लस आर थ्री, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और अगर हम आर बी की वैल्यू लिखें तो आर बी की वैल्यू हो जाएगी, आर बी किस किस के बीच में है, वन और थ्री के बीच में, तो R1 इंटू आर थ्री को ऐसे रख दो और यहाँ पे R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसी तरीके से RC की वैल्यू हो जाएगी, RC किस किस के बीच में है, टू और थ्री के, तो R2 टू इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू और प्लस आर थ्री, ये हो जाएगी इन तीनों की वैल्यू। तो आप चाहो तो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। नोट करिए इसको, ओके। तो देखिए इसके ऊपर चाहे तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज 5 ओम, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट, दिस इज 5 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 4 ओम,
देख, ये बोल रहे हैं कि फाइनली अगर देखा जाए या इसको एक रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं, दिस इज फोर ओम। तो पूछा जा रहा है कि ए और सी के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस बताइए, फाइंड इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए और सी के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस बताइए। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो इसमें ये मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है एक्स वाई और जेड, इसकी वजह से कोई भी दो रेजिस्टेंस ना तो सीरीज में बन पा रहे हैं ना पैरेलल में बन पा रहे हैं। हो सकता है ये सॉल्व होके इजी हो जाए, ठीक। देखिए कैसे, ये तो पॉइंट हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। सर्किट को बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसा है, यानी कि एक्स वाई जेड पॉइंट को बिल्कुल ऐसे ही रखना है। दिस इज पॉइंट एक्स, दिस इज पॉइंट वाई एंड दिस इज पॉइंट जेड, और इसके आगे के रेजिस्टेंस को भी ऐसे ही रखना, सी को एज इट इज रखना है। यहां वाई से पॉइंट बी और बी से एक रेजिस्टेंस ऐसे जाके सी पॉइंट में जुड़ रहा है, लेकिन ये ए पॉइंट से ऊपर एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, ए पॉइंट के नीचे ये रहा। तो ये जो एक्स वाई और जेड है, इट्स अ डेल्टा, ये एक डेल्टा बना हुआ है यहां पे। आप देखो एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये रहा, भले ये ऐसे दिख रहा है पर ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है और ये भी ऐसे ही है। तो आप ये देखो ये एक डेल्टा है, तो आप चाहो तो यहां पे ये जो डेल्टा है इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यूं यूं ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब आप ये देखिए, हम इस डेल्टा को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक ऐसे स्टार में, ऐसे वाले स्टार में, यूं चाहें ऐसे वाले स्टार में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हटा के, इसको हटा के हम ऐसे स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस है आर ए, ये वाला रेजिस्टेंस है आर बी और ये वाला रेजिस्टेंस है आर सी। तो आप यहाँ पे देखिए आर ए की वैल्यू क्या बनेगी, आर ए रेजिस्टेंस किसके बीच में, 1 और 2 के, तो 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 = 6, तो दिस इज 2/6, ये आर ए हो गया। आर बी इज इक्वल टू हो गया 2 और 3 के बीच में, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 6/6 यानी के 1। आर सी, आर सी ये वाला इसके और इसके बीच में, तो दिस इज 1 × 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 3/6 हो गया ये। तो यहां पे क्या होगा, इस जगह पे ये इस वाली स्ट्रक्चर को हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, अब ये तो पॉइंट ए हो गया, तो ए से एक 5 ओम का रेजिस्टेंस आया एक्स पे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जेड हो गया, जेड से एक रेजिस्टेंस सी पे पहुंचा है कितने का, 4 ओम का, और ये हो गया वाई, वाई से पॉइंट बी आया और बी से एक रेजिस्टेंस सी पे पहुंच गया। अब इनके बीच में पॉइंट लगाना है मुझे, ये पॉइंट लगा, ये पॉइंट लगते ये क्या हो गया आर फोर, आर फोर की वैल्यू कितनी हो गई 2/6,
और ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया आर बी, आर बी की वैल्यू हो गई 6/6 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आर सी 3/6। आप देखिए बिल्कुल इजी बन गया ये। अब आप देखो यहां से ये कितना है, दिस इज 4 ओम, तो ये वाला पॉइंट अगर जे मान लो आप, जंक्शन को जे मान लो, इसको जे, दिस इज कॉल्ड जे, तो जे पॉइंट से, तो ए से जे तक, आप देखो ए से जे तक ये है ना, ए ए से जे तक कितना हो गया 5 और 1/3, तो 5 और 1/3 कितना हो गया 5 + 1/3 16/3, दिस इज 16/3 ये हो गया। उसके बाद सी पॉइंट यहां पे आ गया, ये वाला कहां आ गया पॉइंट सी, सी के बीच में 4 ये है और 1 बाई ये, तो दिस इज 4 + 1/2 ठीक है, तो 9/2 ये हो गया। अब यहां से 1 ओम और 4 ओम 5 ओम, तो यहां से 5 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट तो सी हो गया, ये वाला पॉइंट ए हो गया, तो ए के और सी के बीच में कितना हो गया 16/3 9/2 और 5। देखिए 1 तो ये हो गया, 1 के साथ ये सीरीज में है 4, 1 और 4 कितने हो गए 5, तो पॉइंट अगर ए ये वाला हो गया तो ए से ये तो 16/3 हो गया और ये 9/2 और 5/2 ठीक है, 1/ यानी कि 2/9 और 1/5, इन दोनों का कितना हो गया 9/2 × 5/9/2 + 5, ये कितना हो गया 45/2 / 19/2, दिस इज 45/19 ये आर हो गया, तो इन दोनों का इक्वलेंट हो गया 45/19, तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस हो गया आर ए सी के बीच में इज 16/3 + 45/19, और यही अपना आंसर हो गया, ए और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया, जितना भी आया है अब यही आंसर है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक यहां पे नहीं होती है तो। इस तरीके से आप देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, ये इस क्वेश्चन में इस चीज को हमने डेल्टा, देखिए इस लाइन में कुछ नहीं है तो इस पॉइंट को मैं यहां मिला दूं तो प्रॉपर डेल्टा बन जाएगा ये वाला, इस डेल्टा को हमने ऐसे इसमें कन्वर्ट कर लिया, ये वाला जो अरेंजमेंट, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया और ये रह गया, जब ये रह गया तो ऐसा अरेंजमेंट बन गया। अब आप देखो ये इसके साथ सीरीज में आ गया, ये इसके साथ सीरीज में आ गया, ये इसके साथ सीरीज में आ गया और क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया। यहाँ पर कोई भी किसके भी साथ सीरीज में नहीं बन रहा था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, इसमें कोई भी सीरीज में नहीं था, कोई भी पैरेलल में नहीं था, तो इसको डायरेक्ट सीरीज पैरेलल मेथड से सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, हमने इसको स्टार डेल्टा में कन्वर्ट किया और वो आ गया ठीक है।